तो फाइनली दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गदर 2, ओएमजी 2, जेलर और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवियों में से कौन सी मूवी बाजी मारती हुई नजर आई है और तो और कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना और ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की, जो की एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इस मूवी को अपना शानदार डायरेक्शन दिया है करण जौहर ने, जिसकी मेन लीड रोल में आपको रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जया बच्चन, धर्मेंद्र और शबाना आजमी देखने को मिली हैं। और वहीं ये मूवी बनी है लगभग 160 करोड़ के बजट से, जिसने अपने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इंडिया में 13 करोड़ 50 लाख का। और इसी के चलते ये मूवी अभी तक अपने पहले 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन कर चुकी है 105 करोड़ 8 लाख का। और वहीं इसका इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन है 125 करोड़ 10 लाख का, जहां इस मूवी ने ओवरसीज कलेक्शन किया है 59 करोड़ 80 लाख का। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी 184 करोड़ 90 लाख का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कर चुकी है, जो कि बहुत ही जल्द वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। और जिस हिसाब से यह मूवी चल रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि यह मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा 10 अगस्त से पहले ही छू लेगी, क्योंकि 10 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी जेलर और वहीं 11 अगस्त को आएगी गदर 2 और ओएमजी 2। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी जेलर की, जो की एक अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जहां इस मूवी को अपना शानदार डायरेक्शन दिया नेल्सन दिलीप कुमार ने। वहीं इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत, मोहनलाल, शिवराज कुमार, सुनील, राम्या कृष्णन और जैकी श्रॉफ जैसे शानदार एक्टर। अगर हम बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों यह मूवी बनी है लगभग 200 करोड़ के मेगा बजट से और वहीं इस मूवी का एडवांस बुकिंग भी काफी ज्यादा अंगार चल रहा है। पहली तो बात यह है कि यह मूवी एक तमिल लैंग्वेज फिल्म है, जिसको रिलीज किया जाएगा पैन इंडिया लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में। और दोस्तों इसी वजह से इस मूवी के तमिल लैंग्वेज में 1,28,000 टिकट सोल्ड हो चुके हैं और तो और तेलुगु लैंग्वेज में भी 14,000 टिकट सोल्ड हो चुके हैं। और दोस्तों इसी के चलते इस मूवी ने टोटल ऑल ओवर दी इंडिया से 3,20,000 टिकट सोल्ड कर चुके हैं, जिस वजह से इस मूवी का सिर्फ इंडिया से ही 8 करोड़ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन हो चुका है। और तो और दोस्तों वर्ल्ड वाइड यह मूवी 14 करोड़ 50 लाख का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर चुकी है और अभी इसकी रिलीज में 3 दिन भी बाकी हैं, तो आप अंदाजा साफ लगा सकते हैं कि यह कलेक्शन 20 करोड़ तो पक्का जाने वाला है। और इसी को देखते हुए लगता है कि इस मूवी की ओपनिंग 40 से 50 करोड़ के बीच रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हिंदी बेल्ट में भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सिवा कोई और बड़ी मूवी नहीं लगी हुई है 10 अगस्त को। और तमिल, तेलुगु, मलयालम में तो इस मूवी का वर्चस्व वैसे ही रहने वाला है, जहां इस मूवी के टीजर, ट्रेलर और गानों को काफी ज्यादा पसंद किया गया। वहीं यही लगता है कि यह मूवी बड़े आराम से पहले दिन 40 से 50 करोड़ की ओपनिंग करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम बात करें मूवी ओएमजी 2 की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह एक अपकमिंग हिस्टोरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसको अपना शानदार डायरेक्शन दिया है अमित राय ने, जहां यह मूवी बनी है लगभग 50 से 60 करोड़ के बजट से। जी हां दोस्तों, यह मूवी 50 से 60 करोड़ के बजट से बनी है, क्योंकि इसमें अक्षय कुमार ने 100 करोड़ से ज्यादा की फीस चार्ज नहीं की है, बल्कि चार्ज की है केवल 35 करोड़। और इसी वजह से इस मूवी के बजट को ज्यादा पंख नहीं लगे हैं और इस मूवी का बजट एक आम बजट बन गया है और यह बजट इस मूवी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहने वाला है। और तो और इस मूवी के पार्ट वन की हाइप इसके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगी और जो इस मूवी का मुद्दा है सेक्स एजुकेशन, वो भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि दोस्तों जहां इस मूवी की एडवांस बुकिंग कुछ ही दिनों पहले ऑन हुई है, वहीं अब तक इस मूवी के टोटल टिकट बिक चुके हैं 7,000 से प्लस। जी हां दोस्तों, इस मूवी के 7,000 टिकट प्लस बिक चुके हैं और तो और यह मूवी 10,000 टिकट का आंकड़ा भी बहुत जल्द छूने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी ने 75 लाख की एडवांस बुकिंग की ओपनिंग कर ली है और तो और यह मूवी अपने पहले दिन लगभग 10 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है। ज्यादा बड़ी ओपनिंग यह मूवी सिनेमाघरों में इसलिए नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस दिन जेलर भी सिनेमाघरों में मौजूद होगी और तो और तबाही मचाने गदर का बवंडर भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 भी 11 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, तो चलिए अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गदर 2 एक अपकमिंग एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसको अपना शानदार डायरेक्शन दिया अनिल शर्मा ने और वहीं इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा। जहां यह मूवी बनी है लगभग 100 करोड़ के बजट से, वहीं यह मूवी एडवांस बुकिंग कर चुकी है अच्छी खासी। जी हां दोस्तों, मैं अच्छी खासी बुकिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस मूवी के 45,000 टिकट सोल्ड हो चुके हैं और 50,000 का आंकड़ा बहुत ही जल्द यह मूवी छूने वाली है और हो सकता है कि आज शाम तक यह मूवी 50,000 का आंकड़ा भी छू ले। और इसी के चलते यह मूवी टोटल 7 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह मूवी 25 करोड़ की पहले दिन ओपनिंग करने वाली है। तो दोस्तों आप कौन सी मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं, गदर 2, ओएमजी 2 या फिर जेलर, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।